रोजाना की तरह आज भी हाजी नवाज पप्पू सदरहार रोड मार रोड लिंक मुकलो रोड के ऑफिस में ताजरों का मुबारकबाद का तांता बंधा रहा। जोन नंबर 3 के ताजरों ने हाजी नवाज पप्पू सदर इतफाक ग्रुप के हेड ऑफिस में आकर मुबारकबाद पेश करने के बाद शमूलियत का ऐलान किया। शमूलियत के बाद हलफ भी उठा लिया। ताजरों ने हाजी नवाज पप्पू पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि ताजरों की एक ही आवाज़, हाजी नवाज, हाजी नवाज। इस मौके पर हाजी नवाज का कहना था कि इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूंगा। ताजरों के लिए खाने का भी बेहतरीन एहतमाम किया गया। इस मौके पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था कि जी नाजरीन, आज फिर एक मरतबा हम हाजी नवाज पप्पू जो कि सदर हैं हार रोड मार रोड लिंक मकरोड रोड, जिन्होंने अरसा 25 साल ताजरों की खिदमत की यहाँ पर, आज वही उनकी जो खिदमत है वो बुरकार लाते हुए ताजरों ने ये फ़ैसला किया कि ताजरों के जो मसाइल हैं वो सिर्फ हाजी नवाज पप्पू साहब ही जो हैं वही हल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज फिर जोन नंबर 3 के ताजरों ने भरपूर यहाँ पर शिरकत की और यहाँ पर उन्होंने हलफबरदारी की। आइए उनसे जानते हैं कि हाजी नवाज पप्पू साहब आज इस हवाले से, ताजरों के हवाले से हमें क्या बताएं। जी हाजी साहब, आप 25 साल से ताजरों की खिदमत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हाजी साहब के 25 साल का सिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मुझे मिल गया, और आपको शायद आप कभी आते हैं कभी नहीं आते, जहाँ पे रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक समा होता मेले का वो लगा हुआ है। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतने ही कम है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरे हाल रोड की जो हमारे पास मेम्बरशिप वो मुकम्मल हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम जितने भी काम हैं हाल उड़ के जितने भी मसाइल वो इंशाल्लाह हंगामी बनाते हुए करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब, जैसा कि माशाल्लाह आप रोज़ाना आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कवरेज कर रहे हैं कि इत्तफाक़ ग्रुप में माशाल्लाह सैकड़ों दोस्त रोज़ाना की बेस पे यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और हर बर्दारी की तकरीब हो रही है, बाकायदा खुशी से हल माशाल्लाह वो हल उठा रहे हैं। और जे हाजी साहब ने जो माशाल्लाह ये गुलदस्ता जो बनाया फूलों का, इसमें दिन ब दिन इसमें फूलों का इजाफा होता जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि मीडिया का सर्वे जो है ना वो सबसे कन्फर्म सर्वे होता है। आपने ख़ुद मार्केट को देखा है कि मार्केट के क्या हालात हैं। कुछ कंपनियाँ, मैं ग्रुप नहीं कहूँगा कंपनियाँ कहूँगा, जिन्होंने जोन 3 को मसालेस्तान बना दिया, जैसे मदीना रियासत मदीना वाले हैं ना, ऐसे यहाँ बेशुमार इन्होंने ताजरों को तंगियाँ दे दी हैं, परेशान कर रहे हैं। और ये वाहद क़यादत थी हाजी नवाज पप्पू साहब की जिन्होंने जोन 3 को समझ लें कि सी पैक मोटरवे इधर दिए, रोड आप जाके देख लें, बाकी इंतजाम देख लें, कोई दुकान दुकानदार परेशान, ताजर परेशान नहीं था, किसी का मसला भी कोई हाई साहब को पर्सनल फ़ोन करता था, मेरा ख्याल है दिनों में नहीं घंटों में उसे सॉल्व किया जाता था। मैं ताजर बरादरी को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका कोई भी मसला है, कोई भी मसाइल है, वो आप इत्तफाक़ ग्रुप के ऑफिस में आएँ। हाजी नवाज पप्पू को आप पर्सनली भी कह सकते हैं, उनके अहदेदारान भी हैं, उनको भी आप मैसेज दे सकते हैं, फौरी फिल फॉर आपका मसला हल होगा। भाईजान, मेरी तमाम ताजर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर आएँ, अगर कोई मसला मसाइल है तो यहाँ पर आके हमें बताएँ। इंशाल्लाह ताला हाजी नवाज पप्पू के एक अच्छी कंपेन चलाई हुई है उन्होंने, और वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी ताजर को, आपको किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी मसला मसाइल आपको कोई करता है तो आप हमें बताएं, हम उसको फिल फोर उसी वक्त हल करेंगे। मैं जनाब भाई से सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपकी जो रिपोर्टिंग है ना सिर्फ वो हमारे इन सिटी देखी जाती है बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में लोग बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं, बड़े लाइक्स आते हैं आपको। दूसरी बात यह है कि मैं इत्तफाक़ ग्रुप के हवाले से बात करूँगा। इत्तफाक़ ग्रुप नाम है मोहब्बत का, इत्तफाक़ ग्रुप नाम है खुददारी का, इत्तफाक़ ग्रुप नाम है एक शाइस्तगी का, इत्तफाक़ ग्रुप नाम है यकजहती का। और इस ग्रुप के जो रवा रवा हैं वो जनाब हाजी नवाज पप्पू साहब, हाजी हनीफ साहब और दीगर जो हमारे बुजुर्गान हैं, सारे इसके जो हेड्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैमरामैन गुलशेर के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी, लाहौर।